जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अजा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। इस दिन किस चीज से व्रत का पारण किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को अजा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे अजा एकादशी और जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अजा एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अपार संपदा की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्रादि एवं चर अचर जीवों का भी लाभ प्राप्त होता है एवं सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी विरोधी नहीं होता है। जो इस व्रत को करता है वह अच्छे सम्मान पाने का अधिकारी होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है और अधिक मास या मलमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके अजा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जिनका शरीर स्वस्थ ना हो वो एक समय फलाहार का प्रयोग करे और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। रात्रि भजन कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए समय को व्यतीत करे, भगवान की आरती करे और फिर अगले दिन जाकर के सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, इनकी आरती करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा प्रदान करे। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूजन करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले वर्ष 2022 भाद्रपद कृष्ण पक्ष अजा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 22 अगस्त 2022 दिन सोमवार सुबह 3:38 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार सुबह 6:08। तो हमें सूर्योदय, व्यापनी और द्वादशी युक्त जो एकादशी में समय प्राप्त हो रहा है वह समय 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन 24 अगस्त 2022 दिन बुधवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:55 से सुबह 8:30 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा।
इस बार अजा एकादशी व्रत का पारण जो कि कुष्मांडेन पारणम यानी कि कुष्मांड जो भुआ होता है एक प्रकार का फल उससे इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल या फल से व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा का जो समय होता है वह हरिवासर का होता है तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो एकादशी तिथि समाप्त जो कि 23 अगस्त को ही सुबह 6:08 पे है तो इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ है और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी जो कि 24 अगस्त 2022 दिन बुधवार को सुबह 8:31 पे। तो व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले करना चाहिए, त्रयोदशी तिथि में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। 23 अगस्त 2022 को सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:35 और सूर्यास्त शाम 6:26 योग जो कि सिद्धि योग होगा अगले दिन रात्रि 12:37 तक। उसके बाद व्यतिपात योग नक्षत्र जो कि आद्रा नक्षत्र सुबह 10:44 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 3:13 से शाम 4:59 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है। अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:35 से दोपहर 12:25 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भगवान के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके खास करके ईशान कोण भगवान के पूजन के लिए बड़ा ही लाभकारी होता है तो ईशान कोण में एक आसन लगाए। वहीं पे भगवान के पूजन के लिए एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके वहां पे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख करके कलश स्थापित करे और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जिनको कि प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो इस दिन भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन कर ले, उनसे प्रार्थना करे कि हे भगवान गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो और मैं इस व्रत को पूर्ण कर पाऊँ, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान गणेश का पूजन कर ले, प्रार्थना करे। उसके बाद फिर कलश देवता का पूजन करे, कलश में तीर्थों का आवाहन करे, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे। उसके बाद फिर दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंचदेवता और रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद नवग्रह इंद्रादि दस्तिकपाल देवताओं का पूजन करना चाहिए और फिर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान को तिल और यव चढ़ाए यानी कि जौ चढ़ाए। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखे, अक्षत से भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं तो भगवान विष्णु को अक्षत के जगह तिल और जौ चढ़ाए। उसके बाद तुलसी दल भगवान विष्णु को चढ़ाएं, तुलसी दल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करें। विशेषकर इस दिन भगवान विष्णु को बादाम व छुहारे का भोग लगाना चाहिए, इससे भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। अनेक प्रकार का नैवेद्य ऋतुफल आदि जो भी हो भगवान विष्णु को अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तुओं का अगर घर में बना रहे हैं दूध से बने हुए वस्तु तो उसका भोग लगाएं। अगर बाजार से मीठा वस्तु लाते हैं खरीद कर तो उसपे थोड़ा जल छिड़क करके उसको शुद्ध करें। उसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल लगा करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। बिना तुलसी दल चढ़ाए हुए भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाना चाहिए, ऐसे भोग को भगवान श्री हरि विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। और आप भी जब फलाहार ग्रहण करते हैं तो भगवान को भोग लगा करके ही
उस फलाहार को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। भगवान को नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं, उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल एला लवंग के साथ अर्पित करें, यानी कि पान पत्र सुपारी लौंग इलायची भगवान को मुख शुद्धि के लिए चढ़ाएं, उसके बाद अजा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें, फिर भगवान की आरती करें, उसके बाद पुष्पांजलि करें। इसी प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत एकादशी के व्रत में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले, ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जहाँ पर भी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो साथ में माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, माता को लाल वस्त्र अर्पित करें, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र लौंग इलायची के साथ में चढ़ाएं, उसके बाद कथा श्रवण करते हुए आरती करें। इस प्रकार से भगवान का जो भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।